हेलो दोस्तों, राम राम। मैं नितिन शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द क्रैकर पर। तो आज दिनांक है 16 तारीख, 16 दिसंबर है, और मैं थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि किस विषय में हम बात करने वाले हैं। एक शॉर्ट तरीके से 3 से 4 मिनट में पूरा वीडियो मैं समझा दूंगा कि क्या क्या है। मुझे भी समझ नहीं, बहुत जगह देखा, 15 15 20 20 मिनट के वीडियो बनाए हुए हैं, सीधे सीधे समझा दूंगा। IBACIO के लिए एक वैकेंसी आई थी, 995 पद उसमें थे, जिसकी नोटिफिकेशन 25 तारीख को आई थी और 15 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, यानी कल उसकी लास्ट डेट थी। इसकी मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 27 साल है। जनरल OBC का और EWS का फॉर्म 550 का पड़ता है, SC ST 450 का था और ऑल कैटेगरी मेल फीमेल 450 का था। अब कोई मतलब है नहीं, कल से इसकी डेट ख़त्म हो गई थी। तो अब सीधे बात करते हैं कि EWS की जो टोटल पोस्ट थी 995 थी, तो इसमें जो है UR की 377 पोस्ट हैं और EWS 129 है, OBC 222 है, SC 134 है, ST 133 है और टोटल 995 स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। इसमें 3 टीयर होंगे, समझ लीजिए कि Tier 1, Tier 2 और Tier 3 इंटरव्यू, मान के चलिए Tier 3 को इंटरव्यू को नाम देते हैं। तो Tier 1 में सबसे पहले हम देखेंगे कि Tier 1 में क्या क्या आता है। आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन में, कुछ चीज़ें लिखी होंगी। तो सबसे पहले एक मिनट बता देता हूँ मैं आपको कि Tier 1 ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, Tier 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, और जो इसकी माइनस मार्किंग है 0.25 है। ठीक, पेपर टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा का होगा Tier 1 का भी और Tier 2 का भी। जो Tier 1 डिस्क्रिप्टिव होगा, Tier 1 में करेंट अफेयर 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड से भी 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो देगा वो देगा आपका GS और करेंट। जिसकी GS करेंट ठीक है वो पेपर आराम से निकाल लेगा। इसके बाद हम आते हैं Tier 2 पे, देख सकते हैं हम नीचे आ रहा होगा। तो इसमें ऐसे 30 नंबर का होता है, इंग्लिश कंप्रिहेंशन और राइटिंग जो है 20 नंबर की होती है। फुल पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसे भी आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो ये टोटल 1 घंटे का पेपर होगा और इसमें टोटल मार्क्स 50 होंगे जो Tier 1 के लिए क्वालिफाई होगी। Tier 1 के लिए 10 गुना, मतलब 9,950 लड़के बुलाए जाएंगे Tier 2 के लिए। इसके बाद इसका शायद 5 गुना बुलाए जाएंगे, लगभग 4,550 कुछ ऐसे करके बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू देख सकते हैं नीचे ये भी आ रहा होगा कि इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट बनेंगी, जो बच्चे आपका सिलेक्ट होंगे Tier 1 और Tier 2 के लिए उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू में जो नंबर नंबर मिलेंगे उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी और जो जितने अच्छे नंबर लाएंगे उसके हिसाब से उसको पोस्ट मिलेगी। और ये कुछ सिलेबस हैं आपका, जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी, फिजिक्स, करेंट अफेयर, स्ट्रेटजी के, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, ये सब। और ये देख लेते हैं आपके, देखते हैं हम इसके बारे में, ये सब रीजनिंग का ये सब है आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद इंग्लिश का भी यही सब है, स्पेलिंग करेक्शन, सेम SSC कोर्स है, इसमें कोई समस्या नहीं है, SSC जैसा ही है। ऐसे भी SSC अभी तक ले रहा था, अब SSC ने ऐसे लेना बंद कर दिया है, तो वो थोड़ा सा बस है, नहीं तो बाकी सब अच्छा है। इसके बाद मैथ में भी सेम SSC जैसा ही है, आपको दिख रहे होंगे 2 4 चैप्टर नाम। तो यही रहा है, शॉर्ट है तरीके से, कोई नहीं है। इसका जो पेपर होगा वो लगभग होगा आपका जाके अंत में जनवरी लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि जो अब पिछले पेपर हुए हैं लगभग 2 3 साल में एक बार पेपर होता है, तो जो पेपर हुए हैं उसके हिसाब से 50 60 दिन बाद इसका एग्जाम Tier 1 का ले लेता है। तो लास्ट जनवरी या तो शुरू के फरवरी में इसका पेपर होगा। इतनी मुझको जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। अब जब भी इसका नोटिफिकेशन, एडमिट एडमिट कार्ड कुछ भी आएगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।